अगर आप भी सच्चे प्यार की तलाश में हैं एंड आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सच्चा प्यार कहाँ मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, तो चलिए आज आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देखिए इस बात की शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सच्चे प्यार की तलाश तो हम सभी को है। ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं हमारी जिंदगी में एक सच्चा प्यार आए जो सिर्फ हमारा हो एंड उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो सच्चा होना चाहिए। मैनी टाइम ऐसी क्वेरीज भी आती हैं मेरे पास, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, सच्चा प्यार है ही नहीं। कुछ लोग ये मानते हैं सच्चा प्यार अब खत्म हो चुका है इस दुनिया में से, कुछ लोग ये मानते हैं। सो सबके अपने अपने थॉट है, पर अल्टीमेटली सच्चा प्यार मिल कहाँ रहा है, किसको मिल रहा है, किसी को तो मिल रहा होगा ना, वो लोग कौन है और कैसे ढूंढ पा रहे हैं। देखिए बड़ा फनी सवाल है, समझिए इस चीज को कि सच्चा प्यार वो चीज नहीं है जो कहीं पर छुपी हो और ढूंढ लो। सच्चा प्यार वो है जो वक्त के साथ में होता है, बनाया जाता है, किया जाता है। सच्चा प्यार पका पकाया किसी को ना तो मिला है ना तो मिलेगा, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है। कोई भी प्यार की शुरुआत सच्चे प्यार से नहीं होती। कितना फुलिश लगता है मैनी टाइम आप किसी लड़की से मिलते हो एंड आप उससे पूछते कि तुम्हें सच्चा प्यार करेगी ना, सच्चा प्यार करेगी तो ही मेरी जिंदगी में आई हो। देख सच्चा प्यार हो तो हम रहेंगे, वरना हम छोड़ देंगे। क्या लगा रखा है सच्चा प्यार, सच्चा प्यार? वो जो लड़की कल की आई हुई है आपको सच्चा प्यार तो छोड़ो, प्यार भी क्यों करेगी? जो आपसे आई लव यू कह रही है वो 4 दिन पहले मिली है, उसको आपसे सच्चा प्यार कैसे हो जाएगा? सच्चा प्यार वो चीज नहीं है जो किसी को दिया जा सके, जो ढूंढा जा सके। सच्चा प्यार वक्त के साथ में बनता है, पनपता है। ये एक वो रिश्ता है जिसे वक्त गहरा करता है। दो लोग जब प्यार में पड़ते हैं ना, तो ज्यादातर केसेस में वो प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से वो साथ में कनेक्ट होते हैं धीरे 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 वक्त के साथ में। जितना ज्यादा वो टाइम बिताते हैं, जितना ज्यादा वो साथ रहते हैं, जितना ज्यादा वो बातें करते हैं, वैसे वैसे जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे प्यार में बदलता है। एंड प्यार से वो सालों लग जाते हैं उसको गहरे प्यार में बदलने में, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त बिताओगे उतना ज्यादा आप सामने वाले को समझते हो, जानते हो, एक बॉन्ड क्रिएट होता चला जाता है, उसकी कमियां हमें दिखती हैं, उसकी कमियों को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसकी अच्छाइयों से हम प्यार करते हैं। इसके साथ में ही उस सालों के रिश्ते में मैनी टाइम अप्स डाउन्स आते हैं। मैनी टाइम इतना ज़्यादा आपका रिश्ता खराब हो जाता है कि आपको लगता है छोड़ देना चाहिए, आपका ब्रेकअप जैसी कंडीशन हो जाती है, ब्रेकअप भी हो जाता है, फिर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, फिर आप एक रिश्ते में दोबारा से आ जाते हैं, फिर प्यार दिखाते हैं, फिर आप दोनों में क्लैश होता है, फिर आप झगड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर साथ में आते हैं, फिर एक को कोई प्रॉब्लम हो रही है दूसरा सपोर्ट करता है, फिर अचानक से पहले वाले को दिक्कत हो गई दूसरा वाला सपोर्ट कर रहा है। ये चीज़ें चलती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड इस प्रोसीजर में ही वो प्यार है ना जो आपका, वो गहरा हो रहा है, वो सच्चा हो रहा है। ये एक टाइम है, एक प्रोसीजर है। सो जो प्यार वक्त के साथ में बन रहा है, वक्त के साथ में गहरा हो रहा है, वो प्यार ढूंढने से कैसे मिलेगा? सो होप आप समझ पाओ कि सच्चा प्यार वक्त के साथ में होता है, ढूंढने से कहीं मिलने वाला नहीं है, ये बनता है। सो वो लोग समझ लें इस चीज को जो ढूंढ रहे हैं सच्चे प्यार को। आप जब किसी से मिलते हो एंड एक इंसान से, सामने वाले पार्टनर से बोलते हो कि देख सच्चा प्यार करेगी तो ही मैं रहूंगा, मैं तुझे सच्चा प्यार करता हूँ, तो ये कुछ नहीं है, आपका पागलपन है, फुलिश बातें हैं। क्योंकि जो कह रही है कि हाँ मुझे सच्चा प्यार है, वो आपको अभी प्यार भी नहीं करती। एंड जो आप बोल रहे हो कि मैं तुझे सच्चा प्यार दूंगा, आपको खुद नहीं पता है सच्चे प्यार की वैल्यू क्या होती है। सो सच्चा प्यार ऐसी चीज नहीं है जो आप ढूंढ पाओ, मत ढूंढो। जिंदगी में कोई इंसान पसंद आए, उसके साथ में रहने का मन हो, कनेक्टेड फील हो, एक रिश्ते में आ जाओ, धीरे धीरे वो रिश्ता अपने आप ही गहरा होता चला जाएगा, अपने आप ही प्यार में बदल जाएगा। सच्चा प्यार वो चीज़ नहीं है जो कहकर मिल जाए,
एंड ये वो चीज भी नहीं है जहां पर आप नहीं बोलोगे तो होगा नहीं। एक इंसान के साथ में जब वक्त बिताते हो तो वो अपने आप ही होता है, आपके करने या नहीं करने से नहीं होता, आपका दिमाग नहीं चलता, ये ऑटोमेटिकली एक प्रोसीजर है जो होगा ही होगा। होप ये चीजें मैं समझा पाई हूँ, ये कॉन्सेप्ट में समझा पाई हूँ, आपको समझ में आया हो और आपकी तलाश सच्चे प्यार की खत्म हो जाए जो बेबुनियाद है। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।